हेलो गाइस, कारपेंटर कनाल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज आपको दिखाएंगे डड्डू कब्जा कैसे लगाते हैं और डड्डू कब्जा क्या होता है और उससे कैसे अलमारी बनती है। अभी आपको दिखाएंगे वीडियो में बने रहें। ये आपको दिखा रहे हैं डड्डू कब्जा। ये डड्डू कब्जा है, ये आप देख सकते हो, ये जीरो क्रैक का डड्डू कब्जा है। दूसरा डड्डू कब्जा आपको दिखा देता हूँ। ये आप डड्डू कब्जा देख रहे हो, ये 8 क्रैंक का डड्डू कब्जा है। इसके दो तरह के क्रैंक होते हैं, एक जीरो क्रैंक, एक 8 क्रैंक। ये 8 और 0 क्रैंक के डड्डू कब्जे हैं। और ये आपको दिखा देते हैं, ये हमने पल्ले के अंदर लगा दिए हैं। ये आप देख सकते हो, ये हमने पल्ले के अंदर लगा दिया है। ये अलमीरा का पल्ला है, साइज 8 फुट और 18 इंची का ये पल्ला है। और इसको कैसे लगाते हैं अभी आपको बताएंगे वीडियो में और दिखाएंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरी देखें तभी आपको समझ में आएगा ये कैसे लगाते हैं डड्डू कब्जा। ये जो अपनी पीछे की टक्कर होती है उससे आप इसको 7 सूज छोड़ के निशान लगाएं और 32 mm का जो बिट होता है अपना डड्डू कब्जे का उससे होल कर लें। और ऊपर नीचे तो आप अलमारी के हिसाब से ही करोगे। और ये आपको दिखा रहे हैं अलमीरा का पल्ला, और इससे अलमीरा फ्लैट होता है, बाहर से फ्लैट दिखेगा। और ये अभी आपको दिखाएंगे डड्डू कब्जा कैसे लगाते हैं। प्लीज़ वीडियो को देखें पूरी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें और कमेंट करें। अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अभी आपको दिखाने वाले हैं डड्डू कब्जे कैसे लगाते हैं। प्लीज़ देखें वीडियो, फुल वॉच करें वीडियो को, आगे देखें वीडियो। ये आपको दिखा रहे हैं डड्डू कब्जे का होल, और ये हमारा है पल्ला। और ये पल्ले का साइज आपको बता देता हूँ, 18 इंची और 96 इंची का ये डोर है, और ये अलमीरा डोर है। अभी आपको दिखाएंगे इसके अंदर डड्डू कब्जे कैसे लगाते हैं। ये हमने 32 mm के डड्डू कब्जे के बिट से हमने इसके अंदर होल कर दिए हैं ड्रिल से, और इसके अंदर हमने 5 होल कर दिए हैं। इसके अंदर लगाएंगे डड्डू कब्जे, और ये अलमीरा का डोर है, और इसको पल्ला भी बोलते हैं। और ये हमारा है डड्डू कब्जे, जिसको डड्डू कब्जा कहते हैं। ये डड्डू कब्जे हैं, ये आपको दिखा देते हैं ये कैसे इसके अंदर फिट होते हैं। ये आपको दिखा रहे हैं, ये इसके अंदर ऐसे रखते हैं और इसके बाद लगा देते हैं इसके अंदर पैंच। ऊपर की साइड हमने 2 डड्डू कब्जे लगा दिए हैं। सबसे ऊपरली साइड जो होती है वो लटकने की थोड़ी सी रहती है, और उसको लगाते हैं हम 2-2 पैंच। और ऊपर लगा दिए हमने 2 कब्जे, और ये सारे हमने इसमें 5 कब्जे लगा दिए हैं। और ये डड्डू कब्जा जो है, ये 0 क्रैंक का डड्डू कब्जा है, पूरी टक्कर का ये डड्डू कब्जा होता है। अभी आपको दिखा देते हैं, ये हमने होल तो ड्रिल से करे हैं, 32 mm के बिट से करे हैं, और ये डड्डू कब्जे अभी लगा के आपको दिखा देते हैं। लगाने का बिल्कुल आसान तरीका होता है, 7 सूत पीछे की साइड से आप इसको छोड़ें, टक्कर से 7 सूत छोड़ के अपना निशान लगाएं, और जहाँ पे भी अपना पार्टीशन के हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हो हाइट इसकी। और पीछे से आप इसको 7 सूत ही छोड़ें, चाहे 8 क्रैंक का हो चाहे 0 क्रैंक का हो, वो आधी टक्कर हो जाती है 8 वाला, और ये पूरी टक्कर का होता है। ये आपको दिखा रहे हैं इसको कैसे कसते हैं। इसके अंदर हमने 0.5 इंची के अभी पैंच लगा दिए हैं। एक बार इसको और खोलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर लगाएंगे सनमाई का पेस्ट करेंगे, उसको खोल के उसके बाद इसके अंदर लगा देंगे 0.5 इंची के सकरू। और ये लगा दिए हमने 0.5 इंची के सकरू, और ये आपको दिखा देते हैं ये कैसे चलते हैं। ये सॉफ्ट क्लोज होते हैं, सुकर इनके अंदर होता है, ऐसे ही डोर बंद होता है। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं ऐसे ही इसका डोर बंद होता है, बिल्कुल स्मूथ डोर जाता है। और ये बाहर से दिखती है अलमीरा फ्लैट, और ये होते हैं डड्डू कब्जे, 8 क्रैंक और 0 क्रैंक के डड्डू कब्जे होते हैं। ये आपको दिखा देते हैं, ये सारा हमने इसके अंदर डड्डू कब्जे कस दिए हैं, सारे 5 के 5 हमने इसके अंदर डड्डू कब्जे कस दिए हैं। और ये डड्डू कब्जे 0 क्रैंक के हैं, दोबारा बता देता हूँ, और ये दिखा देता हूँ दोबारा कैसे ये चलते हैं। ऐसे ही इसका डोर चलता है और फ्लैट हो जाता है, बाहर से अलमीरा सारी फ्लैट दिखती है, फ्लैट अलमीरा, डड्डू कब्जे अलमीरा। ये आपको अभी दिखा देते हैं कैसे हमने इसकी अलमीरा तैयार कर दिया है। ये आपको दिखा रहे हैं अलमीरा के अंदर इसको कैसे लगाते हैं, उसकी टक्कर पे लगाएं और उसके अंदर दे दे 0.5 सूत का गैप, टक्कर के साथ में इसको दे दे 0.5 सूत का गैप, क्योंकि उसके ऊपर लगेगी टक्कर टेप, उधर भी टक्कर टेप लगेगी और इसके साथ भी टक्कर टेप लगेगी।
इसलिए इसमें थोड़ा गैप दें और इसको लगा दें। ये आपको दिखा रहे हैं अलमीरा के अंदर कैसे कसते हैं। ये ऊपर का हमारा हिस्सा है, हमने दो कब्जे लगा दिए हैं ऊपरली साइड। और ये अभी आपको दिखा देते हैं, ये हमने तैयार कर दिया है अपना डोर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक करें और कमेंट करें। अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। ये हमने कर दिया है फाइनल डोर और ये आपको दिखा देते हैं ये कैसे चलता है स्मूथ। ये हमने थोड़ा हाई इसको हाथ लगाया और ये आप देख सकते हो बिल्कुल स्मूथ अपने आप चले जाता है और बिल्कुल 0-0 ये बंद हो जाता है। दोनों साइड से आपको दिखा देते हैं, बिल्कुल 0 बंद दोनों साइड से। ये ऐसे चिपक गया है जैसे चुंबक लवे को चिपक जाती है, ऐसे ये हमारा डोर चिपक गया है। और इसके ऊपर लगाएंगे, उसके बाद सनमाई का पेस्ट करेंगे और ये आपको दिखा रहे हैं डोर कैसे चलाते हैं। पूरा अलमीरा भी आपको अभी दिखा देंगे वीडियो में, हमने पूरा अलमीरा भी ये तैयार कर दिया है। ये हमने आपको दिखाया है डड्डू कब्जे कैसे लगाते हैं और क्या होते हैं डड्डू कब्जे, वीडियो में आपको डड्डू कब्जे ही दिखाए हैं। और ये आपको दिखा देते हैं, ये पूरी अलमीरा हमने तैयार कर दिया है और ये हमने इसके नीचे के पल्ले लगा दिए हैं। और ये नीचे के पल्ले हमारे तीन पल्ले हैं और तीन पल्ले हमारे ऐसे ही ऊपर हैं। नीचे के पल्लों का साइज 96 और 18 इंची का है और ऊपरले पल्लों का साइज 32 इंची और 18 इंची का है। अभी आपको दिखाएंगे पूरा अलमीरा। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, धन्यवाद वीडियो देखने।